नमस्कार मित्रों, आज अपन देखेंगे घर आधारित संसाधन कोर्स 3 की प्रश्नोत्तरी। जैसे हल करने के लिए सबसे पहले अपन दीक्षा ऐप को खोलते हैं और चुनते हैं कोर्स, जिसमें अपन ऊपर सरकाएंगे। यहाँ दीक्षा ऐप कोर्स 1 है और 2 है, अपना कोर्स यहाँ नहीं मिलेगा। आपको नीचे आने के लिए दिख रहा है और अधिक देखने पर क्लिक करेंगे। इसके उपरांत अपना तीसरा कोर्स ढूंढेंगे। तीसरा कोर्स है आपका घर सीखने का संसाधन कोर्स 3 व्यवहारिक गणित और सूझबूझ सेम राइज प्रशिक्षण है। इसे क्लिक करेंगे, देखेंगे घर सीखने का संसाधन कोर्स 3 व्यवहारिक गणित की सूझबूझ सेम राइज डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण मध्य प्रदेश। इस पर क्लिक करेंगे। व्यवहारिक प्रश्न स्व मूल्यांकन प्रश्नोत्तरी है, जिस पर क्लिक करेंगे तो अपना ये खुल गया। व्यवहारिक गणित की सूझबूझ का पहला प्रश्न आपका है घर आधारित शिक्षण से संबंधित बच्चों की अब तक की सीख का आकलन करने एवं अपने शिक्षण योजना के में बदलाव करने हेतु आप निम्नलिखित में से किस आकलन प्रक्रिया का प्रयोग करेंगे। शिक्षण के लिए आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन। तो पहला है आंसर इसका सीखने के लिए आकलन। इस पर क्लिक करेंगे, आगे जाएंगे। अगला प्रश्न है पहेलियों द्वारा बच्चों में निम्नलिखित में से किन कौशलों का विकास किया जा सकता है, और ये एरो के चिन्ह पर आप क्लिक करेंगे। ये एरो का चिन्ह जो आपका है इसमें आपके प्रश्न खुल जाएंगे। नंबर 1 संज्ञानात्मक कौशल का विकास, नंबर 2 भाषा कौशल का विकास, नंबर 3 शारीरिक विकास, और ऊपर सरकाएंगे तो नंबर 3 मिलेगा आपको। तीनों है इसमें एरो के चिन्ह को आप ऊपर जाएंगे। केवल ए, दूसरा है ए और बी, तीसरा है ए और सी, चौथा है बी और सी। तो इसका आंसर रहेगा ए और बी। क्लिक करेंगे, आगे जाएंगे। अगला प्रश्न है सुशील सर ने अपने कक्षा के बच्चों को घर आधारित शिक्षण के अंतर्गत पड़तालों पर आधारित कई गतिविधियां करवाई हैं और बच्चों ने बहुत सी गतिविधियां करके दिखाई हैं, पर वे बच्चों की समझ एवं प्रगति परखने के तरीके नहीं चुन पा रहे हैं, आप उन्हें क्या एरो के चिन्ह पर क्लिक करेंगे करने की सलाह देंगे। बच्चों के साक्ष्य को एकत्रित कर पोर्टफोलियो बनाएं, गतिविधियों के हिसाब से कक्षागत परीक्षा लें, पड़ताल किए गए रूब्रिक के आधार पर की गई गतिविधियों को परखें, स्कूल में आने के बाद बच्चों के काम का आकलन करें। 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है ए और बी, दूसरा आंसर है बी और सी, तीसरा आंसर है ए और सी, चौथा सिर्फ डी। तो इसका आंसर रहेगा तीसरा ए और सी। अगले पर क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न है मंजूषा मैडम की कक्षा के कुछ बच्चे बहुत ही कम बोलते हैं एवं अपने विचार रखने में कतराते हैं। बच्चों को संवाद पर करने के लिए बढ़ावा देने हेतु मंजूषा मैडम को आप क्या सलाह देंगे। एरो का चिन्ह है इस पर करेंगे, देखेंगे। 4 ऑप्शन हैं। अभिभावकों से अपेक्षा करें कि बच्चे जब भी घर में बातचीत करें तो उनके प्रोत्साहन हेतु उन्हें पुरस्कृत किया जाए। बच्चों से ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि वे कम बात क्यों करते हैं। सी, बच्चे से उनके प्रतिदिन के अनुभवों के बारे में खुले ओपन एंडेड सवालों द्वारा बातचीत करनी चाहिए। बच्चों के प्रतिदिन पूरी कक्षा के समक्ष अपने विचार रखने का नियम बनाना चाहिए। तो आपका आंसर रहेगा बच्चों से उनके प्रतिदिन के अनुभवों के बारे में खुले
ओपन एंडेड सवालों द्वारा बातचीत करनी चाहिए। आगे जाएंगे, एरो के चिन्ह पर क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न है, अहमद सर कक्षा 3 और 4 के बच्चों की घर पर ही से संख्या प्रकृत से संख्या संक्रियाँ जैसे कि गुणा भाग आदि की बुनियादी समझ बनाने के लिए गतिविधियां का निर्माण कर रहे हैं। आपके हिसाब से उन्हें किन तरीकों का उपयोग करना चाहिए? एरो के चिन्ह पर क्लिक करेंगे। नंबर 1, बच्चों को पाठ्य पुस्तक में मौजूद सवालों को हल करने के लिए कहना चाहिए। घर पर मौजूद चीजों द्वारा संख्या संक्रियाओं की समझ बनाने के हेतु खेल आधारित गतिविधि देनी चाहिए। शुरू से ही बच्चों को पहाड़े याद करने में संलग्न करना चाहिए। बच्चों के अभ्यास के लिए कई सारे बड़ प्रॉब्लम को हल करने चाहिए। संख्या संक्रियाओं का उपयोग कर रोजमर्रा के जीवन में कैसा होता है वे समझना चाहिए। क्लिक करेंगे। अब आपने देखा इसके प्रश्न हैं ए और बी। बी और सी, बी और डी, बी और ई। तो इसका आंसर रहेगा बी और ई। आगे जाएंगे, एरो के चिन्ह पर क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न है, घर आधारित शिक्षण जारी रखने के लिए सभी तरह की पृष्ठभूमि से आने वाले अभिभावकों के साथ निरंतर साझेदारी बनाए रखना आवश्यक है। सभी अभिभावकों के साथ साझेदारी बनाए रखने के लिए आपके अनुसार निम्न में से कौन से तरीके हैं? खोलेंगे, व्हाट्सएप द्वारा मूल्यांकन सामग्री भेजना, अभिभावकों के साथ विभिन्न माध्यमों से नियमित रूप से बातचीत करते रहना, अभिभावकों से बच्चों को विभिन्न डिजिटल संसाधने खरीद कर उपलब्ध कराने को कहना, अभिभावक और बच्चों की चुनौतियों का प्रशासनिक समाधान देते रहना। 4 ऑप्शन हैं, आंसर हैं आपके ए और सी, ए और डी, बी और सी, बी और डी। तो आप क्लिक करेंगे बी और डी। आगे जाएंगे, अगला प्रश्न है, रिजा मैडम की कक्षा अभी हाल में ही पिकनिक पर गई थी। आज रिजा मैडम ने बच्चों से उनके अनुभवों जानने के लिए कुछ प्रश्न किए, जैसे एरो के चिन्ह पर क्लिक करेंगे। क्या आपको मजा आया? आपने अपने बहुत सारी चीजें देखी, आपको जाके अच्छा लगा? मैडम ने पाया बच्चों ने कुछ शब्द या एक वाक्य में उत्तर देकर चर्चा को खत्म कर दिया। आपके अनुसार रिजा मैडम के लिए ऐसी स्थिति में बच्चों की भागीदारी बढ़ाने का सबसे अच्छा बेहतर तरीका क्या हो सकता है? बच्चों से ज्यादातर खुले छोर वाले प्रश्न पूछ सकती हैं। हर बच्चे के उत्तर सुनते समय उनकी ओर देख सकती हैं। लगातार कई प्रश्न पूछ सकती हैं। बच्चों से लिखित में जवाब मांग सकती हैं। तो बच्चों से ज्यादातर खुले छोर वाले प्रश्न पूछ सकती हैं। ये नंबर का पहला आंसर आपका सही होगा। एरो के चिन्ह पर क्लिक करेंगे। देखेंगे, हमने टोटल 7 प्रश्न किए, 7 ही रिक्वायर्ड किए, 7ों के आंसर दिए, छोड़ा एक भी नहीं है। अब सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपने 7 प्रश्न किए, 7ों के आंसर आपको मिल गए और साथ ही आपका 7/7 पूरे उत्तर सही हो गए। इस प्रश्नोत्तरी को हल करने और अगली प्रश्नोत्तरी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ में ही यह पहली प्रश्नोत्तरी होगी जिसमें यह दिखाता है कि 7/7 है, अतः इस प्रश्नोत्तरी को आप ध्यान से देखें। धन्यवाद मित्रों, फिर आप नेक्स्ट पर जाएंगे और अपना अगला वीडियो करेंगे। धन्यवाद साथियों।